दोस्तों, ज़िंदगी जीने का कोई एक तरीका तो है नहीं और ना ही खुश रहने का कोई एक मंत्र है। अलग अलग तरीके बताए जाते हैं खुश रहने के लिए। इसी क्रम में एक पुस्तक है इकीगाई। इकीगाई किताब में जापानियों के खुश रहने के कारण, उनके स्वस्थ रहने के कारण और उनकी लंबी आयु जीने के कारण डिस्कस किए गए हैं। उन तरीकों में पहला तरीका है स्टे एक्टिव डोंट रिटायर। अगर आपको लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी जीनी है तो आप हमेशा एक्टिव रहिए और अपने आप को रिटायर मत करिए। इस वजह से जापानी एक्टिव रहते हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। दूसरा तरीका है टेक इट स्लो। हमेशा जल्दीबाजी में रहने वाले लोग अपने काम पर प्रभाव तो डालते ही हैं, उनके काम की एफिशिएंसी पर प्रभाव तो आता ही है, उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। जापानियों का मानना है कि कोई भी काम धैर्य से करिए और धीरे धीरे करिए। तीसरा तरीका है डोंट फिल योर स्टोमिक। अपने पेट को पूरा नहीं भरिए, अर्थात ठूस ठूस कर नहीं खाइए। 80% पेट भरिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से काम कर सके और आप बोझिल नहीं महसूस करें, आप एनर्जेटिक बने रहें। चौथा तरीका है सराउंड योर सेल्फ विद गुड एंड हैप्पी पीपल। अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखने के लिए खुश मिजाज लोगों के साथ रहिए ताकि पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव वाइब्स आती रहे। पांचवा तरीका है कनेक्ट योरसेल्फ विद नेचर। अगर आप शहरों में रहते हैं या कहीं भी कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं तो आपको अपने आप के साथ, नेचर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपकी आँखों को, दिमाग को, दिल को, सबको सुकून देती है। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। छठा तरीका है गिव थैंक्स, मतलब कि आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। अपने पूर्वजों को, अपने परिवार को, दोस्तों को, ईश्वर को थैंक्स बोलिए ताकि आपके पास जो कुछ है उसमें आप अच्छा फील कर सकें और आप बुरी भावनाओं से बचे रहेंगे। आपके पास जो कुछ है वो बना रहेगा और उसमें वृद्धि होती रहेगी, ऐसा जापानियों का मानना है। अंतिम और सबसे मुख्य तरीका है फॉलो योर इकीगाई। इकीगाई का अर्थ होता है आपका वह खास गुण जिसे आप पैशन कहते हैं, जिसे आप सबसे अलग तरीके से कर सकते हैं, उसे फॉलो करिए। एक पर्पसफुल लाइफ जीना शुरू करिए ताकि आपके भीतर हमेशा उत्साह और एनर्जी बनी रहे। इकीगाई का अर्थ है कि आपका वो पैशन, आपका वो ड्रीम जो आपको सुबह उठने को प्रेरित करे, मजबूर ना करे। सुबह उठने की प्रेरणा ही आपकी इकीगाई है। तो दोस्तों, खुश रहने के इन तरीकों को आप इकीगाई किताब से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और जापानियों के इन तरीकों को फॉलो कर सकते हैं।